ऐतिहासिक किसानों की समस्याओं को देखते हुए उनकी फसल आवारा जानवरों से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गौशाला खोली गई। पर झांसी जनपद के बिजौली में बनी गौशाला में हर रोज गायों की मौत हो रही है, जिससे यहाँ की जनता परेशान है। कई बार तो जनता शिकायत भी कर चुकी, पर नगर निगम आंखों पर पट्टी रखे गौशाला में जो चारे का पैसा आता है उसे नगर निगम अधिकारी बंदर बांट कर लेते हैं। साथ ही जो जानवर यह गौशाला में आते हैं उन्हें भी बिना लिखा पढ़ी के अंदर कर दिया जाता है, और जो जानवर बीमार होते हैं उनके मरने का इंतजार किया जाता है। जब वह जानवर मर जाते हैं बिना लिखा जोखा के उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पर जो योगी सरकार ने पशुओं के इलाज के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टरों की व्यवस्था की, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सारी व्यवस्था सफ़ेद हाथी बनकर रह गई और गौवंशों को मरता देख और जिम्मेदार अधिकारी अपना स्वार्थ हित में चुप्पी साधे हुए हैं। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब जागेगी सरकार? कब होगी अधिकारियों पर कार्रवाई? अधिकारी सरकार को बदनाम यूं ही करते रहेंगे, ये बात योगी जी तक पहुंचाने की जरूरत। झांसी से विपिन सिंह की रिपोर्ट। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं भाई साहब? मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूं कि जो गायों का जो हक है उसको ना मारा जाए, उनके एवज में जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है वो उन पे खर्च किया जाए, ना कि अधिकारियों की जेब में जाए। और इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, कृपया करके पशु हैं इनको या तो खुले में छोड़ दिया जाए या उनको हिस्से का उनको चारा भूसा दिया जाए।